सलमान खान स्टारर फिल्म रिलीज हो गई है और ऐसे में फिल्म से कई उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़कर बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रचेगी। लेकिन लगता है कि सलमान की ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर आते ही फ्यूज हो गई है। जी हाँ, अगर बात फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की करें तो फिल्म की ओपनिंग काफी धीमी रही। खबरों की माने तो थिएटर की सिर्फ 50% सीट ही भरी हुई थी, जबकि सलमान की फिल्म जब भी रिलीज होती है तो हर बार हाउसफुल जाती है और ईद का मौका तो सिर्फ भाईजान के नाम ही होता है। ऐसे में फिल्म 5500 स्क्रीन पर रिलीज हुई, जिसके बाद इस फिल्म में पहले दिन सिर्फ 25 करोड़ की कमाई ही की। सलमान की कोई फिल्म रिलीज होती है तो उम्मीद की जाती है कि पहले दिन ही नया रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले दिन ही कलेक्शन के मामले में ट्यूबलाइट शाहरुख की रही से भी पीछे है, जिसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि वीकेंड में इसकी कमाई 80 करोड़ तक पहुंचेगी और हो सकता है कि ईद के दिन इस फिल्म का कलेक्शन कुछ और बढ़ सके। लेकिन अभी फिल्म की शुरुआत काफी धीमी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।